अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कनाडा में हिंदुओं पर हमले पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पटियाला से कांग्रेस के सांसद धर्मवीर गांधी का बड़ा आरोप, हिंदुओं पर हमले के पीछे एजेंसियां, ये धर्मवीर गांधी का बयान है। भारतीय एजेंसियां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। तो पटियाला से सांसद हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। कनाडा में हिंदुओं पर हमले पर बड़ी खबर आपको बता दें, पटियाला से कांग्रेस के सांसद धर्मवीर गांधी का एक बड़ा आरोप सामने आया, हिंदुओं पर हमले के पीछे एजेंसियां हैं, भारतीय एजेंसियां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। तो धर्मवीर गांधी एक नई थ्योरी लेकर सामने आए हैं। पटियाला से कांग्रेस के सांसद हैं, तो बटोगे तो कटोगे के नारे भी वहां पर लगे थे। और इस बीच पटियाला से सांसद धर्मवीर गांधी ने एक बड़ा आरोप लगा दिया, हिंदुओं पर हमले के पीछे एजेंसियों को जिम्मेदार उन्होंने बताया है और भारतीय एजेंसियां भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं। तो कनाडा में जो कुछ हुआ उसको लेकर लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, जिस तरह की घटना सामने आई है। और इन सबके बीच कांग्रेस के जो ये सांसद हैं उनका ये बयान सामने आ गया है। पटियाला से सांसद हैं कांग्रेस के, धर्मवीर गांधी इनका नाम, जिन्होंने ये गंभीर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हमले के पीछे एजेंसियां। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद से जुड़ चुके हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह भी न्यूज रूम से नजर आ रहे हैं। पहले तो विनोद जी आप ही के पास मैं आना चाहूंगा, ये नारा जो वहां पर लगा, बटोगे तो कटोगे, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अभी जिस तरह से लगातार हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था केंद्रों पर कनाडा के अंदर जो हमले हो रहे हैं वो बेहद निंदनीय, चिंतनीय और संपूर्ण वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए एक हैरान करने वाले जो दृश्य सामने आ रहे हैं। अभी जिस तरह से आज भी जो है ना, वहाँ पर कल जो हमला हुआ, उस हमले में तो वो तो डंडे लेकर के पीछे पड़ गए। और मजे की बात ये है कि देखिए अखिलेश जी, कि ये तो तब केस तब हुआ जबकि वहाँ का जो हमारा इंडियन एम्बेसी थी, उन्होंने उस मंदिर के अंदर कैंप लगाया हुआ था और कैंप लगाने से 3-4 दिन पहले वहाँ के शासन प्रशासन को, सरकार को कहा था कि भाई हमें सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि वहाँ जो कनाडियन हिंदू थे या जो भारतीय मूल के जो हिंदू वहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर, उन सबकी अपनी कोई लोकल समस्या थी अपने इमिग्रेशन से संबंधित, उसको लेकर के कैंप लगा हुआ था। उस कैंप के दौरान ही जो है इन्होंने हिंसक हमला किया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और इस बात को जताता है कि किस तरह से जस्टिन ट्रूडो अभी एक दिन दो दिन पहले ही दिवाली पर जिस तरह के वादे करके गए थे कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, वो सारे के सारे उनके वादे खोखले साबित हुए। और ये देखिए, ये कोई पहला हमला नहीं है जी, इससे पहले भी अनेक स्थानों पर उन हिंदू कम्युनिटी पर हमले हुए हैं, कई मंदिरों पर हमले हुए हैं, कई धर्म स्थलों को टारगेट किया गया। और अब ये जो हमला वो तो सीधा सीधा पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से जो है। लेकिन विनोद, एक बयान इस बीच सामने आ गया है, कांग्रेस के सांसद हैं धर्मवीर गांधी पटियाला से, वो कह रहे हैं कि इन सब के पीछे भारत की एजेंसियां हैं। नहीं देखिए, जो लोग भारत में रह करके और अगर खालिस्तान की गाते हैं तो उनके बारे में तो मुझे नहीं कहना कुछ भी कि वो क्या हैं, कैसे हैं, उनकी क्रेडेंशियल के बारे में मैं नहीं कह सकता कौन एजेंसियां हैं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से जो भी एजेंसियां हैं वो उनका विनकाप करने का काम वो वहाँ की जस्टिन ट्रूडो सरकार से है। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए नाम उनका जस्टिन है तो कभी तो हिंदुओं के साथ जस्टिस भी करना उनको सीखना चाहिए। और आप देखिए कि ये जो मंदिर है, इससे पहले भी जो एडमंटन का जो बीएपीएस मंदिर है, ग्रेटर टोरंटो में हमला हुआ, ब्रिटिश कोलंबिया में हमला हुआ, लास्ट ईयर भी हम देखते हैं तो विंडसोर में हमला हुआ, मैसाचुसेट्स में हमला हुआ और ब्रम्पटन में भी पहले हमला हो चुका है। ऐसी सब स्थिति को देखते हुए ये जो सरकार है, पता नहीं किस तरह से जो अपने भारत विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। अब तो जस्टिन ट्रूडो की खुद के जो सरकार है उसमें भी विरोध शुरू हो गया है और जिस तरह से वहाँ का विरोधी दल भी खड़े हुए हैं, वहाँ के जो अन्य सांसद और स्थानीय लोग खड़े हुए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि अब ये जब सिर्फ इनको अपनी सरकार बचाने के मानसिकता के साथ में जस्टिन ट्रूडो काम कर रहे हैं। अभी देखिए कि जो भारतीय समुदाय है वहाँ पर कोई छोटा मोटा समुदाय नहीं है जी। और कर्नाटक की प्रगति में, उसकी जो बढ़ावा में और उसके धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान में भी बेसिकली बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन रखता है जी। आर्थिक स्थिति जो है वो उसमें भारतीय समुदाय का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक कह रहे हैं, मैं आता हूँ विनोद जी, मैं आऊंगा आपके पास, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, आशीष से भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को वो बयान सुनवाते हैं जिसका थोड़ी देर पहले आपसे मैं जिक्र कर रहा था।
जो धर्मवीर गांधी हैं पटियाला से कांग्रेस के सांसद, उन्होंने एक बयान दिया है इसी के बारे में, सुनिए। बाहरले मुल्कां च भी रौला पै रहा है, इस गल ते काफ़ी संभावनावां ने और काफ़ी कुछ थोड़े सबूत भी ने कि किमें इंडियन एजेंसियां हौआ खड़ा करके रख दियां बाहर ताकि भारत अंदर जो समाज वंडिया रहे। बाहरले मुल्कां च जाके इस तरह जिस तरह के इल्जाम लग रहे हैं भारत सरकार से कि अपनी एजेंसियां द्वारा बंदे हायर करके उन्होंने मतलब अमेरिका च भी एक साजिश रची हैगी है, जिस अमेरिकन जी एजेंसी हैगी है वो बंदे भारत सरकार ने गिरफ़्तार भी किया एक बंदे नो, और इवें कनेडा सरकार ने सिद्धम सीधा कहा कि साढ़े को पुख्ता सबूत हैगे है कि भारतीय एजेंसियां ने एक्टिव इनवॉल्वमेंट नाल उत्थे एक निजर नाँ के व्यक्ति को जो खालसा का समर्थक दसा जाता है उन्होंने मतलब उन्होंने कतल करवाया गुरुद्वारे की जी पार्किंग लॉट में। सो ये जो गंभीर इल्जाम ने, पहले मैं आशीष कुमार सिंह के पास आपको लिए चलता हूं, न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं। आशीष, ये कांग्रेस के सांसद का इस वक्त ये बयान, क्या मतलब निकाला जाए इसका? ये टोटली अपसर्ड है और बिल्कुल गलत तरीके का इररिस्पॉन्सिबल बयान वो दे रहे हैं, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं इस तरह का बयान दे करके, और कांग्रेस निश्चित तौर पे अपने आप को इससे डिस्टेंस करेगी या कंडेम ज़रूर करेगी। आप इस तरह का बेतुका बयान दे ही कैसे सकते हैं? जिन वारदातों का ये हवाला दे रहे हैं उसको लेकर कि ये दो कंट्री, इन दोनों देशों ने औपचारिक तौर पर अभी तक भारत को कोई एविडेंस ही नहीं दिया है। बार बार भारत सरकार ने डंके की चोट पर कहा कि अगर आपके पास कोई एविडेंस है आप दे दें, जिस तरह की ये बात कर रहे हैं। खुद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर डिपोज होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, और उनसे जब पूछा जाता है इस बारे में तो वो कहते हैं कि हमने सिर्फ इंटेलिजेंस शेयर किया था और भारत से निवेदन किया था कि आप इस पर अपनी फर्दर जांच करा करके एविडेंस खुद इकट्ठा करें। तो खुद ही जो कंट्रीज एक्सपोज है इस मामले को लेकर के, उस तरह ये बयान मुझे नहीं लगता किसी भी कीमत पर रिस्पॉन्सिबल है और इसको कोई भी गंभीरता से लेगा। रही बात कांग्रेस की, तो फिर से दोहरा दो अखिलेश, ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट। हमारे साथ धर्मवीर गांधी खुद जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधे मैं दर्शकों को लिए चलता हूं। धर्मवीर गांधी जी, आप क्या कहना चाहते हैं, भारतीय एजेंसियों को लेकर आप क्यों बोल रहे हैं? देखिए, पंजाब में ना तो कोई खालिस्तान की लहर है और ना ही ऐसी कोई ताकतें जो उसको बढ़ावा देती हो। ये सारा कनाडा और अमेरिका का मसला है और उसमें बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी ऐसी लोग विचार प्रकट करते हैं कि ये सारा कुछ भारतीय एजेंसियों का ये कारनामा है। वो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए ऐसे तत्वों को प्रोत्साहन देती हैं जो वहां खालिस्तान का हुआ खड़ा करके, खालिस्तान का उस पे हाय तोबा मचाकर जो भारत को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और सरकार और सरकार को बड़ी बड़ी मुश्किल हालत में डाल देते हैं कई बार, क्योंकि सभी बात इनकी गिनती मिनती के मुताबिक पूरी नहीं चलती, तो कभी कभी इनसे बाहर हो जाती है। नहीं, एक मिनट धर्मवीर गांधी जी, वहां पर जो घटना घटी, हिंदुओं पर लाठियां चली, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत सरकार के इशारे पर भारत की एजेंसियों ने ये सब कुछ करवाया? देखो, मैं ये कहता हूँ कि पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है, वहां भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कनेडा 2-3 बार जाके आया हूँ, हर जगह गया हूँ, कोई लोगों में तनाव नहीं है। जो मौजूदा जो तनाव जो पैदा हुआ है उसमें जैसे उन्होंने इंगित किया है कि भारतीय एजेंसियों के उनको उन्होंने तो नाम ले लिया किसी गैंगस्टर का कि वो सरकार की शह पे उसने जो कत्ल करवाए हैं, गोल्डी ब्राड वहां पे बैठा वो भी उन्हीं का बंदा है, तो और वो भारतीय एम्बेसी को। आपको किस पर ज्यादा भरोसा है, उनकी कही बातों पर या भारत सरकार जो कह रही है? क्योंकि पहले भी वहां के जो नेता या तमाम जो एजेंसियां हैं जिस तरीके के बयान देती रहीं, जो बातें कहती रहीं, उसके संबंध में कोई प्रमाण तो वो दे नहीं पाए, तो आपको ज्यादा भरोसा उन लोगों पर है कि भारत सरकार पर ज्यादा भरोसा है? जो उनके उपराष्ट्रपति ने कहा कि दैट टाइम वी हैड नो हार्ड एविडेंस, दैट टाइम उस वक्त नहीं था, आज उनके पास अगर हार्ड एविडेंस। वही तो मैं पूछ रहा हूं धर्मवीर गांधी जी, आप सांसद भारत के हैं, हिंदुस्तान में आप सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको ज्यादा भरोसा भारत सरकार की बात पर है या जो कनाडा के में लोग कह रहे हैं उस पर भरोसा ज्यादा करते हैं? मैं कहता हूं अगर कनाडा के उनके उपराष्ट्रपति ने कहा कि दैट टाइम वी हैड नो हार्ड एविडेंस, अगर उनके पास अब हार्ड एविडेंस है तो वो लोगों के सामने रखें और भारत सरकार। तो आप ये कहिए ना कि रखें, तो आप तो कह रहे हैं कि भारत की जो एजेंसियां हैं उनके इशारे पर ये सब कुछ करवाया जा रहा है, भारत सरकार पर आप उंगली उठा रहे हैं? वो तो देखो, जो अमेरिका बोल रहा है, जो कनाडा बोल रहा है, हमको उसको गंभीरता से लेना चाहिए। अच्छा, मतलब भारत सरकार जो बोल रही है उसको गंभीरता से आप नहीं लेना चाहते हैं, अमेरिका और कनाडा जो बोल रहा है उसको गंभीरता से लेना चाहते हैं आप? कनाडा मित्र देश रहा है, अमेरिका मित्र देश है, तो जो अगर दो सरकारें हमें पर हमारी तरफ इंगित कर रही है तो हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और पूरी संजीदगी से इसका जवाब देना चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है, भारतीय जमहूरियत की छवि है, भारतीय लोकतंत्र की छवि है, वो खराब ना हो।
अच्छा कनेडा के लिए जरूरी है कि कनेडा सरकार हाँ। अगर उसने उस राष्ट्रपति ने बोला कि दैट टाइम वी हैड नो हार्ड एविडेंस चलिए ठीक है, मेरे पास अब वक्त नहीं है। एक लाइन में अगर आप धर्मवीर गांधी जी जवाब देना चाहें, आपको किस पर ज्यादा भरोसा है, भारत सरकार की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उस पर या जो कनाडा कह रहा है उस पर? नहीं, मैं कनाडा की जो कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, उसको रूल आउट नहीं करता, उसको मैं नहीं रूल आउट नहीं करना, दूसरी बात है, मैं भरोसे की बात कह रहा हूँ। भारत सरकार जो बात कह रही है उस पर भरोसा है कि नहीं है? अगर 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 भारत की इंटेग्रिटी पे सवाल उठा है तो उसका हमें ठोक कर जवाब देना चाहिए और सरकार को अपनी पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पष्ट करनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के सांसद पटियाला से, उन्हें आपने सुना ये हमला किस तरह से हुआ, वहां पर मौजूद हिंदू श्रद्धालुओं ने किस तरह से अपनी जान बचाई, एक चश्मदीद की जुबानी हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से हमें इंफॉर्मेशन मिली वीडियो के थ्रू कि वहां पर ये हुआ है, उसके बाद हम लोग वहां पर गए क्योंकि किसी ने बुलाया कम्युनिटी कि ये हो तो आ जाओ, तो हम लोग वहां पर गए और हमने जो देखा इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट थ्रू आउट द डे, कह सकते हैं 4-5 घंटे जो चला वो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट टेम्पल अटैक वाज समथिंग इट लुक्स लाइक प्री प्लान, सम खालिस्तानी सपोर्टर्स वेर आउटसाइड दैट टेम्पल एंड when we got the video they just started going inside the temple premises, they ran after a couple of devotees and they beat them, they damaged couple of cars I believe so because we saw that video and then after I was present there physically 75-100 log wahan par maujood the aur unhone protest kiya cross that limit and it was not protest but it was a violent way they just did certain things to give terror effect to the devotees of the Hindu Sabha temple. Liberal government जो है वो हमेशा ये खालिस्तान का मुद्दा है उनको समर्थन करती आई है। मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल जी लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपने सुना चश्मदीद को भी, इसके पहले आप सुन रहे थे कांग्रेस के सांसद को, उनको लग रहा है कि ज्यादा वहां के जो लोग हैं, वहां के जो नेता हैं, वहां के प्रशासन जो की तरफ से जो बातें कही जा रही उस पर भरोसा है? नहीं देखिए, ये तो कांग्रेस का चाल चलन रह रहा है, ये स्पष्ट हो गया है बेसिकली पूरी तरह से। ये जो है ना बिल्कुल बेनकाब हो गई है कांग्रेस, एक तरफ वो गांधी और दूसरी तरफ ये दूसरा गांधी। ये जो है ना गांधी परिवार जो है अब जिस तरह से ये जो इनका स्टेटमेंट है उससे बेनकाब हो गया है। मैं कहना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो अभी कांग्रेस अध्यक्ष को और सोनिया जी को और अपने राहुल गांधी जी को इस बारे में अविलंब इसमें माफी मांगनी चाहिए और नहीं तो अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए कि वो आखिरकार है किसके साथ में, क्या पाकिस्तान के साथ अपने कनाडा के साथ खड़े हैं या भारत के साथ खड़े हैं। ये बेहद गंभीर मामला है कि भारत में रहने वाला भारतीय संसद का एक सदस्य और कनाडा का गुणगान कर रहा है ये, और इतना सब कुछ देखते हुए भी सबने देखा है कि किस तरह से नरसिंह हमला हमारे ऊपर हुआ और इसके बावजूद भी जो है वो आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं, ये अस्वीकार्य है। ये जिस तरह की जो घटनाक्रम घटा है और जिस तरह से ये जो धर्मवीर गांधी ने जो बयान दिए हैं वो बेहद ये देशद्रोही बयान है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए मुझे लग रहा है। और ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह से खुलेआम देश विरोधियों के साथ में खड़े दिखते हैं, उसे पता लगता है कि कांग्रेस आखिरकार ये जो खालिस्तान की समस्या की जननी वास्तव में ये कांग्रेस ही है। और जिस तरह से ये वहाँ जो कनाडियन लोगों कनाडा में रहने वाले, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें, विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल वो कह रहे हैं कि जिस तरीके का बयान दिया है धर्मवीर गांधी ने, ये देशद्रोही बयान है और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा तक दर्ज होना चाहिए। आशीष भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष। ये बयान एक ऐसे वक्त में, जबकि एक चश्मदीद के बारे में भी हमने सुनवाया दर्शकों को, वो जो वहां पर मौजूद थे जो इस घटना के शिकार हुए, कह रहे हैं कि इसके पीछे खालिस्तानी और कांग्रेस के जो सांसद हैं उनको ज्यादा भरोसा उन्हीं के एजेंसियों के बयान पर जो कनाडा की तरफ से बातें कही जा रही हैं। देखिए, ये तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बयान है। मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन जाएगा, अब इसको कैसे पार्टी डिफेंड करेगी, इन ऑल प्रोबेबिलिटी इसको कंडेम ही करेंगे और वो अपने आप को डिस्टेंस करेंगे। इनको सैंक्शन किया जाता है कि नहीं, पार्टी की तरफ से डिसिप्लिनरी कार्रवाई होती है कि नहीं, ये देखना होगा। बड़ा आश्चर्यजनक है कि आप बार बार पूछ रहे हैं अखिलेश कि आपको भरोसा किस पे, आपको भारतीय एजेंसीज पर भरोसा है या कनाडा की सरकार पर भरोसा है, उसके जवाब में वो बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने ये बोला विच इन्वाइट्स अटेंशन कि कनाडा में वैसा कुछ है ही नहीं जैसा दिखाया जाता है। तो ये तो बहुत ही अपसेट, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बयान है एक चुने हुए सांसद का,
और मुझे लगता है कि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस बयान पर अपने आप को कैसे डिफेंड करती है जब पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर है ना, तो वो कोई सबूत देते हैं, वहाँ खालिस्तानियों का गढ़ बनता जा रहा है, हिंदू मंदिरों को एक के बाद एक अटैक किया जा रहा है, कौंसुलर सर्विसेज वहाँ की इंडियन हाई कमीशन प्रोवाइड करा रही है उसको अटैक किया जा रहा है, जबरन भीड़ घुसती है गेट तोड़ करके लोगों को वहाँ लाठी डंडों से मारती है, और साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ जैसा दिखाया जाता है। दिस इज कम्प्लीटली अपसर्ड, ये अनएक्सेप्टेबल है। देखिए पॉलिटिक्स के लिए VHP या कोई और एजेंसी भले उन पर मुकदमा दर्ज कराए, ये उनका अपना राइट है, वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इनके बयान पर कम से कम हम ये जरूर कह सकते हैं कि दिस इज कम्प्लीटली इररिस्पॉन्सिबल, भारत सरकार के पोजीशन से टोटली परे है, और जो दिख रहा है प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या आप उसी को चैलेंज कर रहे हैं, ये अपने आप में इररिस्पॉन्सिबल बयान जरूर उनकी तरफ से। बिल्कुल, और ऐसे में तो विनोद बंसल जी मेरा सवाल ये भी है, इस तरीके के जो बयान होते हैं क्या जो एंटी इंडिया जो लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं उसको बल नहीं मिलता है? शायद विनोद बंसल मेरे साथ, आप नहीं आशीष, यही सवाल आपसे, जो लोग देश के विरोध में एजेंडा चलाते हैं प्रोपेगेंडा चलाते हैं क्या उनको बल नहीं मिलेगा जब एक सांसद इस तरह की बात कहेगा, भारत का सांसद? देखिए इसी तरह के बयानों का हवाला देकर के वो अपने कर्मों को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, कल को इसी बयान को पिक करेगा कनाडा की गवर्नमेंट, वहां के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स, वो कहेंगे हम क्या आपको सवाल खड़े करें जब आपके यहाँ के चुने हुए सांसद ऑपोजिशन के एक लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान अगर दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये भारत सरकार को एक अनकंफर्टेबल पोजिशन में खड़ा कर सकता है। हालांकि एक एबरेशन, एक सांसद के बयान से कोई हमारी पोजिशन या सच्चाई नहीं बदल जाती, लेकिन ऐसे समय पर जब इंडिया अग्रेसिवली कॉन्टेस्ट कर रहा है कनाडा के पोजीशन को, कनाडा जिस तरह से बार बार भारत पर आरोप गढ़ने की कोशिश कर रहा है बिना किसी सबूत के, भारत लगातार हर फोरम पर कनाडा को एक्सपोज कर रहा है, वहां इस तरह से ऑपोजिशन के एक सांसद का, वो भी लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी का सांसद, अगर इस तरह की बात कहता है तो ये कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, मेरे साथ विनोद बंसल एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनोद जी, बीच में आपसे मेरा संपर्क टूट गया था, सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जब कोई सांसद भारत का इस तरीके का बयान देगा तो क्या जो लोग देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं उनको इससे बल नहीं मिलेगा, उस प्रोपेगेंडा को वो एक तरीके से मदद करने का काम नहीं कर रहे हैं? निश्चित रूप से अखिलेश जी, देखिए ये आज की बात नहीं है, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा ऐसे ही रहा है, हमेशा से इसका करैक्टर देश विरोधी रहा है। अनेक घटनाओं हमने देखा था कि खालिस्तान को पनपाने वाला कौन था, आखिरकार यही था। और ये जो आप दुनिया के अंदर, सॉरी देश के अंदर जो आतंकवाद को पनाह देने वाले कौन थे, हिंदू आतंकवाद का जो नाम गढ़ करके और रियल जिहादी आतंकवाद को कवर फायर देने का काम इस कांग्रेस ने किया था। आज ये इस सांसद के बयान ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आखिरकार कांग्रेस क्या है और कांग्रेस का देश के बारे में सोच क्या है। देशद्रोहियों के बारे में इनकी इनके इनके आंचल से दूध टपकता है वो भी बड़ा क्लियर कट शब्दों में नजर आ रहा है। और ये देखिए अभी तक इतने भयंकर बयान के बावजूद भी कांग्रेस ने मौन साध रखा है, इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस का इनको मौन समर्थन है। और सीधी सी बात ये देखिए कि जिस तरह से ये हमला दिख रहा है, सबको दिख रहा है, एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, और इसके बावजूद भी संपूर्ण इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बात को लेकर के चिंतित है, और इवन जस्टिस ट्रूडो ने भी इस बात का जो अपना कंडेम किया है, लेकिन कांग्रेस के मुंह में से कंडेमनेशन का एक शब्द नहीं निकला अभी तक। क्यों भाई, आखिरकार वो कहां गया सरासर विपक्ष, जो कि बात बात पर जो है ना वो गाजा पर तो बाजा बजाएंगे, और कनाडा में अगर हिंदुओं पर अपने अमेरिका के अंदर और कई दूसरे देशों के अंदर हिंदुओं पर हमले होंगे तो उसको आगे चुप्पी साथ जाएंगे। बांग्लादेश में किस तरह से सामूहिक नरसंहार हुआ, इसके बावजूद भी इन्होंने सारी चुप्पी साथ रखी है। ये जो अभी जो सांसद का बयान है, निस्संदेह ये देशद्रोह की सीमाओं को पार कर चुका है। ऐसे सांसदों के विरुद्ध, सांसद के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। मुझे लगता है कि अगर संसद में जब फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे थे उसी समय माननीय स्पीकर महोदय ने अगर उनके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई कर ली होती, शायद इस तरह के सांसद जो है भारत विरोधी एजेंडा को सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक पटल पर लाने से कम गुरेज करते। इस तरह के सांसदों को सांसद रहने का अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता पर इमीडिएटली इस एनआईए को जांच करनी चाहिए, आखिरकार इसको कहां से क्या पैसा मिला है, सब बातें स्टेटमेंट देने के लिए क्या वास्तव में कोई फॉरेन फंडिंग इनको हुई है क्या। मैं कहता हूं कि जिस तरह से भारत विरोधी इन्होंने गतिविधियों को आपने तीन चार बार पूछा, लेकिन साफ साफ इन्होंने कहा कि इनकी मानसिकता से लग रहा था ये भारतीय नहीं कनेडियन है, ऐसा लग रहा है कि ये कनाडा के सांसद है क्या, ये इनकी बात से स्पष्ट नजर आ रहा है। जो ये उन्हीं लोगों में से हैं जो कि जिस साली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अखिलेश जी, ये जो बयान है ये व्यक्ति का बयान नहीं है, एक सांसद का भी बयान नहीं है। मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस का स्पष्ट बयान है। और ये देखिए वो भी गांधी, ये भी गांधी, कांग्रेस का ये चरित्र है, इनका एक मोटस ऑपरेंडी रही है कि जो बात केंद्रीय नेतृत्व को नहीं कहनी होगी तो वो किसी सांसद के माध्यम से, किसी नेता के माध्यम से, इसके माध्यम से, उसके माध्यम से कहलवा करके और देश के अंदर बवेला मचाता रहता है, और फिर बाद में कह देगा हम बयान से पल्ला झाड़ते हैं।
ये ऐसे नहीं चलेगा। नहीं नहीं, एक बयान आया है सामने, विनोद जी मैं आपको रोक रहा हूँ, कनाडा में मंदिर पर हमले की कांग्रेस के एक नेता ने निंदा की है। कांग्रेस के नेता है तारिक अनवर, उन्होंने कहा कि मंदिर पर हमला बेहद चिंताजनक है, हालांकि वहां की सरकार ने इस पर कार्रवाई की। साथ ही कनाडा में बटोगे तो कटोगे के नारे पर उन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया में ऐसा हो जाता है। दुखद है, कनाडा का जो जो छवि है सारी दुनिया में कि वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, प्रगतिशील देश है, और वहाँ अगर इस तरह की घटना होती है तो दुखद है। और मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस बात की निंदा की है, और आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो इसका आश्वासन उनको देना चाहिए। अगर आप नफरत फैलाएंगे तो उसका रिपरकशन या उसका प्रतिक्रिया होती ही होती है। मेरे साथ आशीष कुमार सिंह, मेरे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, अब तो सवाल तो ये है, एक कांग्रेस के नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले पटियाला के सांसद जो है कांग्रेस को उनका बयान सुनवाया, इसका मतलब क्या निकाला जाए? पार्टी के अंदर इस स्टैंड पर कोई कंफ्यूजन है या फिर अलग अलग तरीके से सभी लोग खेल रहे हैं इसमें? देखिए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, निश्चित तौर पर अभी तक जो हमने कांग्रेस की आधिकारिक पोजीशन देखी है वो सरकार को सपोर्ट करते हुए देखी है। मैं कल ही एक बयान दूसरे कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी साहब का देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे कि ये बहुत गलत है कि कनाडा की सरकार अभी तक भारत के पोजीशन खालिस्तानियों को लेकर के उस पर सेंसिटिव नहीं रही है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला कि ये एबरेशन है जिस तरह का बयान लोकसभा के सांसद ने, माफ़ कीजिएगा, दिया है और कहा है, उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि कनाडा में उस तरह का कुछ है ही नहीं जिस तरह का दिखाया जा रहा है, उल्टे ब्लेम कर रहे हैं भारतीय एजेंसीज को। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन जाएगा। आपको ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, कुछ महीने पीछे जाइए, जब सिखों के राइट्स को लेकर के राहुल गांधी ने अमेरिका में एक बयान दिया था तो किस तरह से उसको लेकर के पॉलिटिकल बखेड़ा खड़ा हो गया था, और बीजेपी ने राहुल गांधी को बुरी तरह से इसमें घेरने की कोशिश की थी। उसके बाद कमिंग आफ्टर दैट इतनी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, जब कनाडा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड है, सिर्फ इंडिया नहीं बार बार कह रहा बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड है कि जस्टिन ट्रूडो जो भी आरोप लगाए अभी तक उनके पास कोई भी एविडेंस भारत सरकार के साथ शेयर करने के लिए नहीं है, किसी और दूसरे देश के साथ भी उनके पास शेयर करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। ऐसे में एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का सांसद अगर इस तरह के सवाल खड़े करेगा तो आप बिल्कुल थोड़ी देर पहले ठीक कह रहे थे कि ये एक तरह से एमिनेशन का काम करता है उन लोगों के लिए जस्टिफाई करने के लिए जो अपने इन एक्ट्स को अब तक जस्टिफाई करते आए हैं। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत एम्बेरसिंग है, और इसलिए मैं कह रहा हूं देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब कांग्रेस पार्टी खुद को इस बयान पर कैसे डिफेंड करती है। विनोद बंसल जी, क्या ये धर्मवीर गांधी का व्यक्तिगत बयान देखा जाए इसे, जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया, क्योंकि आप तो बार बार कह रहे हैं कि ये पूरी कांग्रेस की सोच है। असल जी, ये तो कांग्रेस की मानसिकता है, कोई पहली बार नहीं है। अनेक बार आतंकवादियों को बचाने के लिए हमने देखा कि 3:30 बजे तक जो रात की अर्धरात्रि के बाद तक जो ना माननीय सुप्रीम कोर्ट को जगा के रखा। इन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष है ना जो कि एक आतंकवादी मरा था तो कहते रात को मुझे नींद नहीं आई थी। यही तो है जो कि आतंकवादियों को जी लगा के संबोधन करते हैं। यही तो है जो कि ये खालिस्तान को बढ़ाने वाले और ये उस मानसिकता को पनपाने वाले हैं। मैं कहता हूँ पंजाब के अंदर इनका कितने सालों तक इनका शासन रहा, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई करी के देशद्रोही तत्वों के विरुद्ध? नहीं। ये जो प्रोडक्ट है जो अभी आपने गांधी बोला था, वास्तव में मैं इसको धर्मवीर गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे वो सोचते हैं वैसे इन्होंने सोचा, जैसे वो बोलते हैं वैसे ये इन्होंने बोला, कोई नई बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि आखिरकार ये जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो इस बारे में हमें इमीडिएटली देश से माफी मांगनी चाहिए, और सीधा सीधा इस सांसद को ये संसद की सदस्यता से इनको निकालना चाहिए, कांग्रेस की सदस्यता भी निकालना चाहिए। ऐसा सांसद रहने लायक नहीं है, और जो भारत के अंदर रहता हो, भारत की संसद का सदस्य हो और भारत विरोधी काम करता हो, भारत विरोधियों के साथ में कठपुतली बनकर काम कर रहा हो, ये तो सीधा सीधा मैं कहता हूँ इसकी जाँच होनी चाहिए कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बातें करने की। अगर इनके पास कोई इनपुट है, अगर इनके पास कोई साक्ष्य है, तो सांसद होने के नाते संसद के स्पीकर को बोलते, एमईए को बोलते, लेकिन इसका क्या मतलब है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जाकर के भारत की बदनामी करोगे आप? भारत में रहकर के और कनाडियन आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए आप? आखिरकार ये हिम्मत कैसे हुई कांग्रेस की? कांग्रेस को इस बारे में इमीडिएटली स्पष्टीकरण देकर के माफी मांगनी चाहिए संपूर्ण देश से। ठीक है, तो वीएचपी का ये आधिकारिक स्टैंड कि इस मामले में कांग्रेस माफी मांगे। विनोद बंसल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ऐसे लोगों को राहुल और अखिलेश का समर्थन मिलता है, जब तक मोदी और अमित शाह हैं देश का बाल बांका नहीं हो सकता। कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह है,
और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए इस देश का बाल बांका नहीं हो सकता है। मगर अफसोस की बात यह है कि जो भारत में नरेंद्र मोदी जी का विरोध करती हैं पार्टियां, वो सब खालिस्तान के साथ खड़ी हैं। ये सारी पार्टियां, इनके नेता, इनको कनाडा में जो हिंदू मंदिरों पर हमला हो रहा है, एक ने भी उसकी निंदा नहीं की है। इसका मतलब है कि राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों या कोई और नेता हो, इनका साथ, इनका समर्थन खालिस्तानियों को है। और पटियाला से जो कांग्रेस के सांसद है धर्मेंद्र गांधी, उनके बयान ने तो कांग्रेस के लिए और मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में छठ के पर्व को मनाने के लिए दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे लोग अपने घर जाना चाहते हैं। रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ है। दिल्ली, मुंबई, पटना, सूरत में रेलवे स्टेशन पर बेहिसाब भीड़ देखने को मिल रही है। बिहार जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हुई हैं। पैर रखने के लिए भी लोगों को जगह नहीं मिल पा रही। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा पर जाने वाले यात्रियों के लिए बाकायदा टेंट लगाया गया। यहां लोग अपनी ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। मुंबई में भी रेलवे स्टेशनों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। LLT स्टेशन पर लोग ट्रेन के गेट पर लटके हुए दिखाई दिए। कहीं पटना में ट्रेनों का देरी से चलना लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर यात्री परेशान दिखे। गुजरात के सूरत में भी उधना रेलवे स्टेशन पर छठ पर घर जाने वाले लोगों की बहुत भारी भीड़ दिखी है। और ये सूरत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सूरत में देख सकते हैं आप रेलवे स्टेशन पर कैसे लोग वहां पर जमीन पर बैठे हुए हैं ट्रेन के इंतजार में, बड़ी संख्या में, चूंकि लोग इस पर्व के मौके पर घर जाते हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर खासतौर पर बहुत बुरा हाल, भारी भीड़ नजर आ रही है हर तरफ। लोग कतार में दिख रहे हैं। कई लोगों को आपने देखा जमीन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते दिखे। प्रशासन इस बार अलर्ट मोड में इसलिए चूंकि कई बार देखने को मिला है कि रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ की वजह से हादसे हो जाते हैं। ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली में है, वहां की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। तो ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दृश्य आपके सामने है। यहां भी आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ प्लेटफॉर्म पर बल्कि रेलवे स्टेशन के बाहर भी इंतजार करते हुए दिखे। तो छठ के मौके पर ये लोग घर जाना चाहते हैं और ऐसे में आप देख रहे हैं स्टेशन पर खासतौर पर किस तरीके की भीड़ दिख रही है। जितनी भी ट्रेन उधर की ओर जाती हैं खचाखच भरी हुई। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर छठ पूजा पर घर जाने वालों की भीड़ दिखी। वहीं ट्रेनों में सफर करने वाले भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। LLT स्टेशन पर पहुंची पवन एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही थी तो लोग दरवाजे पर ही लटक कर घर जाने को तैयार नजर आए। मुंबई से ABP न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छठ के लिए अपने घर पर जाने वालों यात्रियों की बहुत भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। LTT स्टेशन पर मौजूद हूं और ये पवन एक्सप्रेस की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं। आधे घंटे में ये ट्रेन छूटनी है लेकिन यहां पर भीड़ देखिए बहुत ज्यादा है। दादा आप दरवाजे पे लटके अंदर कैसे जाएंगे? यस ऐसे ही जाएंगे, एकदम धक्का मारो जाएंगे। यहाँ पर गेट पर पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है, जगह नहीं, अंदर है जगह। आप लोग को सीट कैसे मिल गया? नहीं नहीं हम लोग लाइन में बहुत सुबह लाइन में थे। जी तीन ऐसे यात्रा करेंगे क्या कीजिएगा? छठ पूजा यहाँ तक नहीं चल रहा है और इतनी गर्मी है, लोग अब इसी तरह से पूरे तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा का सफर होता है, 24 घंटे से ज्यादा का, और ऐसे ही यात्रा करने की बात कर रहे हैं। जो लोग नहीं जा पाए वो यहाँ पर कतार में खड़े हैं। आप लोग नहीं जा पाए अंदर, कैसे जाएंगे? अब क्या करेंगे, अब नहीं जा पाएंगे, दूसरा गाड़ी देखना पड़ेगा। दिखा रही हूँ यहाँ पे देखिए लोग एज पर खड़े हैं गेट के और ये कह रहे हैं कि अब ऐसे यात्रा करेंगे क्योंकि टिकट नहीं मिल पा रहा, अंदर स्पेस नहीं है, कतार लगाकर जो जगह छोड़ी गई है, जगह नहीं है, कैसे जाएंगे? सर क्या करें, मजबूरी है, जाना पड़ेगा जरूरी में, इतना ही भीड़ है, भीड़ की वजह से जाना पड़ेगा। कतार लगा के लाइन लगाए हुए थे हम लोग। घंटे का यात्रा करेंगे ऐसे? 36 घंटा। हाँ छठ के लिए ऐसे चले जाएंगे, कब तक खड़े रहेंगे आप? अब क्या करें, घर जाना पड़ेगा, अब आए हुए तो इतना जरूरी है जाना, अपनी जान को जोखिम में डाल के जाते, इसमें सांस दम घुट गया तो ये ना सरकार का सोचना चाहिए ना, जितना ही सीट है उतना ही टिकट देना चाहिए ना, है कि नहीं?
टिकट सीट है कम, टिकट करता है ज्यादा। एक सीट पर 5 से 6 आदमी, सीट आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि लोग इतने कंजेस्टेड वे में बैठे हैं, पंखा नहीं चल रहा, सफोकेशन इतना ज्यादा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ पवन एक्सप्रेस की, जहाँ लोग एज पर ट्रैवल कर रहे हैं और बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिल पा रहा अंदर जाने की। हालांकि रेलवे प्रशासन का कहना है कि वो 250 से ज्यादा ट्रेन चला रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। स्पेशल ट्रेन कहाँ है वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है जो अपने परिवार से मिलने के लिए और त्यौहार मनाने के लिए घर जाना चाहते हैं। अब आपको गुजरात के सूरत लेकर चलते हैं। यहाँ उधना रेलवे स्टेशन पर भी छठ पूजा के लिए घर जाने वालों की भारी भीड़ नजर आई। लोग अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखे, वहीं ट्रेनों में बैठने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी है। हालांकि रेलवे पुलिस भी लोगों को ट्रेनों में बैठाने की व्यवस्था कर रही है। रेलवे स्टेशन पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था न फैले, इसका ध्यान रखा जा रहा है। गुजरात के सूरत में उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हो, छठ पूजा को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो है वो वतन जाने के लिए निकले हैं। ऐसे में भारी भीड़ के कारण कोई अनिच्छनीय घटना ना घटे, इसके लिए चाक चौबंद पुलिस बंदोबस्त है यहाँ पर लगाया गया है। रेलवे पुलिस ने प्लानिंग के साथ हर कोई व्यक्ति को यहाँ पर बिठाया गया है। 3 पार्ट में यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो किया गया है। रेलवे स्टेशन के ट्रेन के करीब एक तबका है, उन्हें भेजा गया है। उसके बाद पार्किंग एरिया में ये आप देख सकते हो तस्वीर, वहाँ पर लोगों को बिठाया गया है और इसके बराबर बाहर यहाँ पर जो गेट होता है वहाँ पब्लिक को एकत्रित किया गया है। यानी कोई भी भगदड़ ना हो इसके एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो सूरत रेलवे पुलिस है उनकी ओर से यहाँ पर हिदायत दी गई है। DH गौर रेलवे अधिकारी, उनकी अगुवाई में पूरा प्लानिंग चल रहा है। हमारे साथ अधिकारी मौजूद है। सर, किस प्रकार से प्लानिंग है, क्या कुछ? दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों को ध्यान में लेके पहले से ही मीटिंग्स करके सभी RPF, GRP, सिटी पुलिस और रेलवे तंत्र के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके आयोजन किया गया था कि पैसेंजरों को किस तरह से लाया जाएगा, कहां कहां उनको रोका जाएगा और किस तरह से ट्रेन में बिठाया जाएगा। तो उस प्लानिंग के हिसाब से अभी उनको हम होल्डिंग एरिया में रोकते हैं और जब ट्रेन का समय होता है तब उनको लाइन बनवा के हमारे जो सुरक्षा जवान हैं साथ में उनको ले जाके और ट्रेन में बिठाते हैं। लोग काफ़ी समस्या की बातें करते रहते हैं और भागने की कोशिश, ऐसे में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है पुलिस को? उनको समझा के हम हमारे पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम हमने रखे हैं, उसके द्वारा उनको सूचना दी जाती है, उनको रोक के रखते हैं, बिठाते हैं, समझाते हैं और पब्लिक वो सूचनाओं का पालन भी कर रही है इस वजह से। और हमारी जो प्लानिंग और सूचना, मतलब जो भी बंदोबस्त रखा गया है उसकी वजह से अभी तक कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। बिल्कुल, आप देख सकते हो अतिरिक्त 4 ट्रेनें हैं वो चलाई जा रही है सूरत के उधना से। ऐसे में कोई भी भगदड़ ना मचे इसके लिए 100 से अधिक अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, ABP News सूरत। एक और छठ के मौके पर ट्रेनों में भारी भीड़ है, दूसरी ओर ट्रेनों का देरी से चलना भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। पटना में रेलवे स्टेशन पर लोग ट्रेन के इंतजार में घंटों से खड़े हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में छठ के मौके पर घर जाने वाले लोग परेशान हैं क्योंकि ट्रेनों का सही समय पता नहीं लग पा रहा है। रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनें तो चलाई गई लेकिन यात्रियों को कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। ABP News संवाददाता शशांक ने पटना रेलवे स्टेशन पर परेशान हो रहे यात्रियों से बातचीत की है। देखिए, छठ पूजा में दिल्ली से जो लोग हैं यहाँ पटना पहुँचे हैं, मगध एक्सप्रेस ये है, दिल्ली से पटना पहुँची है, स्लीपर कोच ये है, कई यात्री उतर रहे हैं, कई यात्री चढ़ रहे हैं, इसी में धक्का धुक्की वाली स्थिति है। और देखिए, यहाँ पे कोई भी स्टाफ अधिकारी रेलवे का नहीं है, अगर भगदड़ मच गई तो बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती है, अंदर घुसने के लिए मारामारी हो रही है। वहीं जो लोग दिल्ली से आए हैं वो बाहर उतर नहीं पा रहे हैं यात्री, देखिए किस तरह से धक्का धुक्की वाली स्थिति है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं बिहार शरीफ। बिहार शरीफ, ये बताइए, जो अंदर हूँ तो उतर ही नहीं पा रहे हैं आप लोग, अंदर जा नहीं पा रहे हैं? जबरदस्ती में जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कहाँ जाना है? इस्लामपुर। चढ़ने में लोगों की हालत खराब हो रही है, क्या कर सकते हैं सर? और दूसरा ट्रेन तो नहीं है ना? अभी इस्लामपुर जाना है सर। चढ़ पा रहे सर? बहुत भीड़ है सर, क्या करे? क्या वेटिंग टिकट लिया है जी? बताइए क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत चढ़ने में दिक्कत हो रहा है भीड़ के कारण, भीड़ के कारण ठेला ठेले में चढ़े हैं। कैसे हूँ? भागदड़ ना मच जाए इसलिए अब यहाँ पे जो पुलिस की टीम है, RPF जो है,
आरपीएफ की तरफ से बकायदा माइकिंग की जा रही है कि भीड़ मत लगाइए, लाइन में सीधा रहिए और बाहर की तरफ जाइए। तो ये स्थिति जो है वो छठ पूजा में पटना जंक्शन पर देखने को मिल रही है। देखिए छठ पूजा में लोग घर जाने को बेताब हैं। 5 तारीख से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है। इस वक्त हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं। रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन ट्रेन में सफ़र करने वालों की भीड़ रेलवे के अनुमान से कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भारी भीड़ है यात्रियों की। ये लोग पटना से बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे, कोई यहाँ से कलकत्ता भी जाएगा, कोई उड़ीसा जाएगा, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफ़ी से यात्री जो हैं यहाँ बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। ये बताइए, आप काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हैं, कितने देर से खड़े हैं? सर 2 घंटे से खड़े हैं। कहाँ जाना है? दरभंगा जाना है, छठ पूजा में। जी जी। तो ट्रेन लेट है आपकी? जी। क्या क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत है, जल्दबाजी में मुझे घर जाना है, कोई और भी काम है, छठ पूजा भी है, कोई और काम है, कोई डेट कट गया, जैसे कोई मतलब जरूरी काम है। आप कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं बहुत मतलब 2.5 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इतनी स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, क्या सिर्फ कागज पर ही सीमित है? नहीं सर, बहुत ज्यादा लेट कर रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत दिक्कत हुआ। कहाँ जा रहे हैं? अभी तमिलनाडु से हम आ रहे हैं। 7 घंटा लेट ट्रेन आई है, स्पेशल ट्रेन जो आ रही है, ये पटना फायर स्पेशल ट्रेन जो बोलती है, 7 घंटा लेट आई है। तमिलनाडु से आ रहे हैं? तमिलनाडु से आ रहे हैं। कहाँ जाना? गोपालगंज। छठ पूजा में? पूजा में जाना है। आपकी गोपालगंज वाली ट्रेन कब आएगी? अभी ये 12:00 कुछ बता रहे हैं लोग, अभी लेटे हुए है। अनुमानित टाइम? अनुमानित टाइम है, कन्फर्म तक आएगी पता नहीं, कोई पता नहीं अभी। यात्रियों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया? तो भगवान भरोसे ही है, हम लोग क्या करेंगे हम। और भी हाँ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? हम तो कटिहार जाएंगे। पटना से जा रहे हैं कि आप भी कहीं से आए? दिल्ली से हम पटना आए। और अभी जानकारी मिल रही है कि महाआघाड़ी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे आपको लिए चलते हैं। पनवेल इथे शेका पक्ष जागा लढवेल, आता आम्ही दोन्ही पक्षांकडनं अर्ज मागे घेण्यासाठी सूचना गेलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे उरणला शेतकरी कामगार पक्ष त्यांचा उमेदवाराचा अर्ज मागे घेईल आणि आमचं ठरल्याप्रमाणे आम्ही उरणची जागा लढतो आहोत। आणि जसं पहिलं ठरलं होतं अलिबाग पेण आणि पनवेल इथे शेका पक्ष जागा लढवेल, आता आम्ही दोन्ही पक्षांकडनं अर्ज मागे घेण्यासाठी सूचना गेलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे उरणला शेतकरी कामगार पक्ष त्यांचा उमेदवाराचा अर्ज मागे घेईल आणि आम्ही अलिबाग पेंड पनवेल इथले 3 अर्ज मागे घेऊ। त्याच्या बाबतीत आम्ही सगळ्या सूचना म्हणून मी म्हटलं की आता सगळं तुम्हाला आता सांगायला लागलं तर आता जेमतेम एकट्याच राहिलंय, आणखीन काही ठिकाणी आम्हाला सूचना द्यायच्या आहेत, काय होते ते बघायचं आहे, तर कृपा करून 1-3 वाजेपर्यंत आपण सगळेच जण संयम ठेवूया। 3 वाजताचं चित्र जे काय आहे ते जगासमोर येणार आहे, तर त्याच्यानंतर आम्ही काय करायचं ते आम्ही ठरवलं। रश्मी शुक्ला यांची बदली झाली आहे, महाविकास आघाडीचं सातत्यानं म्हणणं होतं, स्वतः नाना पटोले यांनी मागणी केली होती, त्याबद्दल काय प्रतिक्रिया? इलेक्शन कमिशन अतिशय योग्य निर्णय माझ्या मते की राज्य सरकारला संबंधित दिलेली ज्या व्यक्तीचा कॉन्स्टन्स संशय आहे आणि त्याच्याबद्दल जाहीर करणाऱ्या अनेक लोक बोलतात सत्तेचा गैरवापरचा संबंधीचं, अशा व्यक्तीला एक्सटेन्शन देऊन त्यांच्या कॉन्स्टन्समध्ये ही निवडणूक घेण्याचा प्रयत्न हा असाध्य प्रयत्न होता। इलेक्शन कमिशनने योग्य निर्णय घेतला, आता ज्यांच्याबद्दल घेतला त्यांना जर स्वतःच्या संबंधी काही असेल तर त्या फदावर कायमच्या त्या राहता कवा। साहेब दुसरीकडे जरांगे यांचा मुद्दा जो काल त्यांनी सांगितलं होतं की निवडणूक लढवणार, पण आज त्यांनी घोषणा केली कुठेच निवडणूक लढवणार नाही। महाविकेच्या नेत्याकडनं स्पष्ट असा आरोप केला जातो की महाविकास आघाडीच्या सांगण्यावरच ह्या सगळ्या घडामोडी घडतात, याच्यात या आघाडीचा कुणाचाही काही संबंध नाही। हा निर्णय त्यांचा पूजेचा निर्णय त्यांचा होता, मला आनंद आहे की त्यांनी हा निर्णय घेतला, पण त्याचं एकच कारण आहे आनंद व्यक्त करण्याचं, ते सतत सांगतायत की भाजपला आमचा विरोध आहे, या पद्धतीने उमेदवार ठेवले असते तर त्याचा लाभ भाजपकडे हवा असता, त्या पार्श्वभूमीवर त्यांचा निर्णय योग्य। तो बागियों को उद्धव ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया कि नाम वापस लें आप समय रहते वरना कार्रवाई होगी। दरअसल दोनों ही गुट एमबीए हो महायुति हो दोनों के लिए बागियों ने चिंता बढ़ा रखी है।
ऐसे में अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आपने सुना उद्धव ठाकरे बहुत तल्ख अंदाज में अपनी बात रखते हुए नजर आए कि जो बागी हैं वो अपना नाम वापस लें वरना कार्रवाई होगी। और डीजीपी को हटाने पर भी शरद पवार का बयान सामने आया है, चुनाव आयोग ने सही फैसला लिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या खास बात निकलकर सामने आ रही है आपको विस्तार से बताएंगे मेरे सहयोगी मृत्युंजय। मृत्युंजय देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और ऐसे पर उद्धव ठाकरे संजय राउत ये शरद पवार से मिलने उनके घर पर पहुंचे, वहां पर बातचीत की और बाहर निकलकर जो मीडिया के सामने बात की दो मुख्य विषयों पर बातचीत की। एक तो पहला ये कि जिन्होंने बगावत की है या जो लोगों ने भी पार्टी के लाइन के अगेंस्ट जाकर काम किया है वो तुरंत अपना नाम वापस लें, पार्टी की तरफ से या फिर गठबंधन की तरफ से उन पर कार्रवाई की जाएगी और ये तल्ख तेवर देखने को मिले उद्धव ठाकरे के। और दूसरी बात ये कहा गया कि लगातार विपक्ष डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग कर रहा था और ऐसे पर देर आए दुरुस्त आए, रश्मि शुक्ला को हटाया गया, उसका स्वागत किया गया, लेकिन यही कहना था कि हमेशा से कांग्रेस ने और महाविकास आघाड़ी के अन्य दलों ने भी आरोप लगाया कि रश्मि शुक्ला दबाव में काम कर रही है जो कि एक निष्पक्ष चुनाव के लिए ठीक नहीं है और ऐसे पर उनको हटाया गया, तो अब ये फैसला स्वागत योग्य है। तो ये दो बातों पर जोर दिया और बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मतलब एक साफ संदेश दिया गया है उन बागियों को जो कि गठबंधन धर्म के खिलाफ जाकर लोगों ने नामांकन किया है। उद्धव ठाकरे ने तो संदेश साफ दे दिया है लेकिन क्या वाकई में इनके उद्धव ठाकरे के कहने का असर बागियों पर पड़ेगा और जो 14 सीटों पर लगभग महाराष्ट्र की 14 सीटें ऐसी है जहां महाविकास आघाड़ी के बागी चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या वो नामांकन वापस लेंगे और महाविकास आघाड़ी की राह आसान करेंगे, ये बड़ी चुनौती। एक तरफ हम देख रहे हैं कि महायुति में कई नेताओं को मना लिया गया है, नामांकन वापस लिए जा रहे हैं, तो ये क्या स्थिति महाविकास आघाड़ी में भी। अब ऐसे में एक सवाल है, मेरे साथ वैभव परब जुड़े हुए, उनसे समझना चाहूंगा मैं इस पर। वैभव, क्या ये जो बागी हैं चाहे दोनों तरफ हो, महायुति हो महाविकास आघाड़ी हो, क्या ये खेल खराब भी कर सकते हैं कुछ? ये बिल्कुल खेल खराब करने के लिए ये बागियों को उतारा गया है क्योंकि देखो पार्टी में 2.5 साल 5 साल काम करने के बाद हर एक नेता का काम होता है कि पूरे 5 साल काम करने के बाद विधायक बनने की कोशिश करते हैं। देखो अब विधायक बनने का मौका अगर पार्टी से नहीं दिया जाता है तो बागियों के रूप से ये मैदान में उतरते हैं। देखो अब महायुति में ही देखा जाए तो शिवसेना और भाजपा के खिलाफ कई ऐसे नेता है जो एक दूसरे का खेल बिगाड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे यहाँ पे समझदारी दिखा रहे हैं, शरद पवार भी समझदारी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी तक बागियों को समझाने के लिए वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। देखो अब महाविकास आघाड़ी एक दूसरे के खिलाफ अगर उम्मीदवार उतारती है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी शरद पवार की पार्टी इनके कई सारे उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा जा सकता है। अब देखा जाए तो महाराष्ट्र में देखो सीएम पद को लेकर भी रेस शुरू है, जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसके ज्यादा वो सीएम पद का चेहरा होगा उसी पार्टी का, तो ये भी बात समझनी होगी कि विधायकों को गिराने की इंटरनल पॉलिटिक्स है ये। देखो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस बहुत आगे जा रही है लेकिन कांग्रेस को रोकने के लिए ठाकरे और पवार एक हो सकते हैं। देखो इस पूरी बैठक में कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है, सिर्फ पवार और ठाकरे ने दोनों ने मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो कांग्रेस के कई नेतागण यहाँ पे नजर नहीं आए तो इसके लिए इन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस यहाँ पे क्यों नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भाजपा नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं वैभव, एक ऐसे मौके में जबकि चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं, अब कांग्रेस अगर इस तरह से नजर नहीं आएगी सार्वजनिक मंचों पर टॉप लीडरशिप के साथ जो उनके ग्रुप के हैं जो गुट के हैं, तो इसका मतलब क्या निकाला जाएगा फिर? जी बिल्कुल वही है कि पहले दिन से महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने अपनी अलग भूमिका रखी है, उद्धव ठाकरे पवार की अलग भूमिका रही है। कांग्रेस चाहती है कि हम 150 से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़े ताकि आने वाले दिनों में हमारे अगर विधायक ज्यादा आते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का ये जो कहना था वो ठाकरे और पवार ने पूरी तरह से इनकार कर दिया और सभी पार्टियों को समान जगह है वो देने का एक प्रस्ताव मंजूर कर दिया है। इसके लिए कांग्रेस के खाते में कम जगह आई है तो उसी को लेकर कांग्रेस कई दिनों से नाराज भी चल रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अपना प्रचार खुद कर रही है, देखा जाए तो कांग्रेस ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, रैलियां शुरू कर दी है, हर एक जगह पर कांग्रेस के नेतागण जा रहे हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि महाविकास आघाड़ी के बाद महायुति की हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद वर्षा बंगलों पे अपने सभी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और नामांकन पीछे लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भाजपा और मंत्री इसमें कोई सफलता मिलती दिख रही है वैभव आपको, बागियों को मनाने की जो कोशिश की जा रही है? जी देखिए एक घंटा बचा है, एक घंटे में जितनी कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं उतनी अभी एक घंटे के बाद पता चलेगा, लेकिन ये बात तो साफ तौर पर तय है कि
उनको 50% सफलता यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि यहाँ का एक समीकरण में अखिलेश आपको बताना चाहूंगा कि एक तरफ राज ठाकरे और भाजपा एक तरफ है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। अब माहिम विधानसभा की बात करेंगे तो माहिम विधानसभा में एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार सदाश सरवनकर वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछले 30 साल से लोक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब उनको पीछे लेने के बाद मंत्री का प्रस्ताव ये भी आ रहा है कि अगर सदाश सरवनकर अमित ठाकरे यानी राज ठाकरे के बेटे के चुनाव के बाद पीछे हटते हैं तो मंत्री भी वहां मुंबई की 7-8 सीटें तोड़ सकती है। दूसरी बात यह है कि महायुति ने भी प्रस्ताव दिया है सदाश सरवनकर को कि अमित ठाकरे के लिए आप अगर जगह छोड़ते हैं तो आपको विधान परिषद पर लिया जाएगा और पहले ही मिनिस्टर की शपथ विधि के समय आपको शपथ दी जाएगी मंत्री पद की। तो देखिए अब सब प्रपोजल दिया जा रहा है, लालच दी जा रही है, लेकिन इसको लेकर कौन कितना नेता आग्रही है, उसका कौन आगे जाएगा कौन पीछे रहेगा ये अभी घंटों में ठीक है तो नजर बना कर रखिएगा व्यवहार पर। अब इस पर जैसे कुछ अपडेट होगा दर्शकों तक वो जानकारी आगे हम पहुंचाएंगे। मेरे साथ मृत्युंजय भी जुड़े हुए थे, मृत्युंजय आपका भी धन्यवाद।